मैं डॉक्टर अब्दुल वाजी, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रिंसेस दुर्गेशा और हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस कोरोना वायरस के लिए हम लोग जो है ख़ास तौर पे इंतज़ाम एंट्री पॉइंट पे ही किए हैं। उसके लिए एक जो है सेपरेट हम जो है बाहरी जो है पेशेंट कोई सस्पेक्ट कर रहा है, किसी को बुखार है, किसी को दम चल रहा बॉडी एक है, या कोई हिस्ट्री है ट्रैवलिंग की उनकी बाहर से आ रहे हैं, या उनके कोई रिलेटिव बाहर से आए हुए हैं, वैसे लोगों को जो है हम जो है वहीं का वहीं रोक कर उनका टेम्परेचर और बाहर जो है हम लोग पोर्टेबल मशीन भी एक्सरे की रखे हैं, वहीं पर उनका एक्सरे वगैरह लेके और लैब में भी जो है इमीडिएटली उनका जो भी CBP है वगैरह बुखार का जो भी है उसका इंतज़ाम करके इन केस कोई केस हमको सस्पेक्ट है तो हम जो है फौरी उनको गांधी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल जहाँ पर भी कोरोना वायरस के फैसिलिटी है वहाँ भिजा रहे हैं। उसके अलावा हम जो है हमारे एम्प्लॉयज़ का जो है पूरा प्रिकॉशन लिए हैं, हर एम्प्लॉय को जो है सैनिटाइज़र दिए, हाथ दिए, ग्लोव्स और उनके जो एप्रॉन वगैरह इसी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सके हम इस चीज़ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हफ्ते से जो है हम लोग जो है काफ़ी अटेंडर्स को भी जो है विजिटिंग आवर्स भी कैंसिल कर दिए हैं, ओनली इमरजेंसी पेशेंट लेते हैं हम यहाँ पर, और जहाँ तक हो सके इस चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते से आप लोग ये जो लगाए हैं, कोई ऐसा केस आया? नहीं, ऐसा केस नहीं आया, मगर एक दो तीन केसेस हमको सस्पेक्ट थे जो है हम लोग जो है उसको फौरी जो है गांधी हॉस्पिटल वगैरह भिजा दिए हैं। ऐसे यहाँ पे कोई डायग्नोसिस के लिए हमको नहीं है यहाँ पे कोरोना वायरस का किट वगैरह, तो इसलिए जो है वैसे केसेस को जो है हायर सेंटर हम भिजा दे रहे हैं।